आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो परेशानियां भी आपके सामने शून्य हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है झारखंड के रहने वाले धनंजय मांझी ने, जिन्होंने अपनी पत्नी सोनी को एग्जाम दिलाने के लिए झारखंड से ग्वालियर तक का सफर स्कूटी से तय किया। झारखंड के रहने वाले धनंजय मांझी की पत्नी सोनी डीएड में सेकेंड ईयर की छात्रा है। कोरोना की वजह से बस की सुविधा फिलहाल बंद है। फ्लाइट का किराया ज्यादा था जबकि ट्रेन कैंसिल हो गई है, लिहाजा धनंजय ने अपनी 7 माह की गर्भवती पत्नी को स्कूटी से ही ग्वालियर तक लेकर पहुंचने का फैसला किया और स्कूटी से उन्होंने करीब 1150 किलोमीटर का सफर तय किया। धनंजय ने बताया कि वो गुजरात में कुक का काम करते थे लेकिन लॉकडाउन के चलते उनकी नौकरी चली गई, तब से ही वो घर पर हैं। जब पत्नी सोनी की परीक्षा की डेट आई तो उन्होंने ग्वालियर बस से आने की सोची। बस वालों से संपर्क किया तो पता चला कि एक व्यक्ति का किराया 15,000 रुपये लगेगा, लेकिन उनकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो बस से यात्रा कर सके। उन्होंने ट्रेन का टिकट बुक कराया लेकिन एन वक्त पर ट्रेन भी कैंसिल हो गई। छोटी गाड़ी से ट्रेन का सुविधा नहीं था, ट्रेन में दिक्कत ये था कि जब हम लोग आ रहे थे तो उसी दिन मतलब एक दिन पहले ही ट्रेन कैंसिल हो गया, और बताया जा रहा है बस में अगर आना है तो पैसा लगेगा कम से कम एक आदमी को 15,000। अगर मैं अपना वाइफ और हम दोनों मिलके अगर आएंगे तो 30,000 के लगेगा लगत। तो हम ये सोच रहे हैं कि इस समय में एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी है और दसवीं जब दिसंबर हो जाएगा तो एग्ज़ाम देने नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं आपके पास सावधान है स्कूटी गाड़ी में, हम लोग आराम आराम से रुक रुक के जाएंगे लेकिन फिर भी हम लोग टाइम पर पहुँच जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। नहीं खाली मेरा वाइफ को लेके आया, मेरा एग्जाम नहीं है। अच्छा, इनका एग्जाम है। अच्छा लग रहा है, क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि आप एग्जाम देने के लिए आए किसी तरह। कैसा गया एग्जाम आपका? अच्छा गया। अच्छा, तो मतलब कब निकले थे वहाँ से? वहाँ से हम लोग 28 तारीख को निकले थे। 28 तारीख को, और यहाँ ग्वालियर कब तक आ पाए? 30 तारीख को पहुँचे ग्वालियर। 30 तारीख को, तो यहाँ पे कहाँ ठहरे हैं आप? डीडी नगर में। धनंजय ने बताया कि पत्नी की जिद थी कि वे एग्जाम देंगी और आने वाले समय में शिक्षक बनेंगी। इस जिद को पूरा करने के लिए धनंजय ने भी उसे स्कूटी से ग्वालियर पहुंचाने की सोच ली, लेकिन आर्थिक स्थिति अभी भी आड़े आ रही थी। रास्ते के लिए पेट्रोल और खाने की व्यवस्था के लिए पत्नी ने अपने गहने गिरवी रख दिए और अब वे ग्वालियर आ पहुंचे हैं जहाँ वे किराए पर रहेंगे। धनंजय की इस हिम्मत और अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए उनकी लगन और मेहनत की जमकर तारीफ हो रही है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।